हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर उल्लू। आज हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, एक हम साइंस का एक क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है और कुछ हमारी ह्यूमन बॉडी जो होती है उसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं और जिससे RRB ने भी पूछा हुआ है, वो हम पॉइंट्स आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन भी कराऊंगी जो प्रीवियस ईयर में RRB ने पूछे हुए भी हैं और इससे रिलेटेड भी होंगे, और जो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगी उससे रिलेटेड भी होंगे। ठीक है, तो जो मैं इन फैक्ट्स के अलावा भी बताऊं आपको, तो आप उस पर भी बहुत ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन बॉडी, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट बोन। तो लॉन्गेस्ट बोन हमारी पूरी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में कहाँ पाई जाती है, वो हमारी पाई जाती है थाई में। ठीक है, थाई बोन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, फीमर। हमारी पूरी बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट बोन, सबसे लंबी हड्डी फीमर, जो कि थाई बोन, जांग की हड्डी को बोला जाता है, जो हमारी, जैसे ये हमारा नी है, ठीक है, सॉरी ये हमारा पैर है, तो ये हमारा हो गया नी हो गया। ठीक है, यहाँ से ये हमारा मतलब एंकल शुरू हो जाता है और यहाँ हमारा क्या होता है, ये यहाँ से हमारी बॉडी जो लोअर बॉडी होती है वो हमारी स्टार्ट होती है, वहाँ से नी तक जो ये थाई बोन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, फीमर, जो कि हमारी पूरी बॉडी में सबसे लंबी हड्डी पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, अब अगर हमने लंबी हड्डी की बात कर ली है तो फिर अब हम सबसे छोटी हड्डी की भी बात कर लें, तो वो हमारी कहाँ पाई जाती है, वो हमारी पाई जाती है कान की हड्डी, जो कि स्टेपीज होती है। वो क्या करती है काम, स्टेपीज का काम क्या है, जो हमारी साउंड की वाइब्रेशंस होती हैं, जो हमें कान को हेयरिंग पार्ट तक पहुंचाना होता है, वहां तक जो पहुंचाती है, वो हमारी कौन सी बोन हो गई, स्टेप, वो उसका एक पार्ट कौन सी बोन हो गई, मतलब स्टेपीज। ठीक है, जो कान के अंदर की हड्डी मिडिल पार्ट में पाई जाती है, ये मिडिल पार्ट में। ठीक है, अब आप आते हैं लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि, वो हमारी कौन सी होती है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड हमारा थायराइड ग्लैंड, ये हमारा कहाँ पाया जाता है, इस जगह पर। ठीक है, तो इसका शेप क्या होता है, देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड का शेप क्या होता है, तो थायराइड ग्लैंड का शेप क्या होता है, ये हमारा ना बटरफ्लाई शेप में होता है। ठीक है, बटरफ्लाई शेप में होता है और जो एडम्स एप्पल होता है ना उसके पास हमारा ये पाया जाता है, और ये वॉइस बॉक्स भी हमारा क्या होता है, लिरिंग्स, ठीक है, लिरिंग्स को हमारे जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारा वॉइस बॉक्स होता है, क्योंकि बर्ड का वॉइस बॉक्स है, ये सब भी पूछे जाते हैं जो मैं आपको करवा दूंगी, मैं साइंस का स्टैटिक पार्ट आपको करवा दूंगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया एंडोक्राइन ग्लैंड, जो हमारा लार्जेस्ट है वो हमारा कौन सा है, वो हमारा है थायराइड ग्लैंड। अब लार्जेस्ट सेल कौन सा है, हमारी जो सबसे लंबी कोशिका वो हमारी कौन सी है, वो हमारी है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, जो हमारे ये मैसेंजर होते हैं ब्रेन का, जो मैसेज करते हैं, लाइक अगर मेरे को किसी ने पिंच किया, मुझे हटना है, तो ये कौन बताएगा, ये ब्रेन ने मैसेज किया कि यस आपको हटना है, तो ये जो भी मैसेंजर्स होते हैं ये हमारे कौन से होते हैं, ये न्यूरॉन्स होते हैं, और ये हमारे सबसे लार्जेस्ट लंबी कोशिकाएँ होती हैं। ठीक है, कौन सी हो गई, न्यूरॉन्स, जो बॉडी से ब्रेन को, ब्रेन को बॉडी से मैसेज पहुंचाते हैं। अब देखिए लार्जेस्ट आर्टरी और लार्जेस्ट वेन, पहली बात तो आर्टरी और वेन्स का काम क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग एसी पे बात कर लेते हैं। देखिए जो हमारी बॉडी में जितना भी गंदा खून होता है जिसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, वो हमारी बॉडी में कैरी कौन करता है, वो हमारी बॉडी में कैरी करती है वेन्स। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, देखिए जितना भी हमारा, जो हमारी वेन्स हैं वो कौन सा ब्लड कैरी की, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जितनी भी हमारी आर्टरीज हैं वो हमारा कौन सी ब्लड कैरी की, ऑक्सीजनेटेड या फिर साफ। ठीक है, वो तो ये भी हमारा क्वेश्चन बना हुआ है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है। ठीक है, तो ये हमारा कौन हो गई, आर्टरीज और वेन के काम हो गए। अब इसमें लेकिन इसमें भी भाई लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है, तो वो हमारी कौन सी हो गई, एब्डोमिनल आयोटा। ठीक है, एब्डोमिनल आयोटा ये कहाँ पाई जाती है,
ये देखिए, ये आपकी ना ऐसे पाई जाती है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ना हार्ट का, जैसे फोर पार्ट होते हैं हार्ट के, कौन से, इसीलिए हम लोग फोर चैम्बर्ड हार्ट भी होता है ह्यूमन का, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, चार पार्ट हो गए ह्यूमन हार्ट के। तो वो हमारा जो, हाँ, ये जो हमारे पाए गए, तो वो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से और लोअर जो हमारा एब्डोमेन होता है ना वहाँ से कनेक्ट करती है, ठीक है। तो वो हमारी कौन सी हो गई, एब्डोमिनल आयोटा। उसके बाद तो ये हमारी कौन सी हो गई, लार्जेस्ट आर्टरी। और लार्जेस्ट वेन कौन सी हो गई, वो हो गई इंफीरियर वेना कावा, ठीक है, इंफीरियर वेना कावा। उसके बाद देखिए लार्जेस्ट मसल कौन सी हो गई, लार्जेस्ट सिंगल नर्व, सिंगल नर्व जो सबसे बड़ी तंत्रिका नस, जो सिंगल नर्व है वो कौन सी हो गई, स्केचियक नर्व, कौन सी, स्केचियक नर्व, ठीक है। लॉन्गेस्ट मसल कौन सी हो गई, ग्लूटियस मैक्सिमस मसल, ग्लूटियस मैक्सिमस मसल, फाइन। अब देखिए स्मॉलेस्ट स्केलेटल मसल कौन सी हो गई, वो कौन सी, स्टेपिडस मसल, स्टेपिडस मसल। उसके बाद आइए लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी। अब देखिए लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी, पहले तो डब्ल्यूबीसी का ही काम देख लेते हैं क्या होता है। जो भी हमारी बॉडी में जितने भी ऐसी चीज़ें आती हैं जो जो हमारी बॉडी में क्या काम करती हैं, फाइट करना है, कोई भी हमारी बॉडी में इन्फेक्शन लगा या किसी भी चीज़ से फाइट करना है, तो वो हमें बताएगा, वो हमें फाइट कौन करेगा, अगेंस्ट वो करेंगे डब्ल्यूबीसी। और इनका लाइफ स्पेन कितना होता है, ये कितने दिन तक जीवित रह सकते हैं, 5 to 7 days, ठीक है। तो इसमें लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी कौन सा होता है, वो होता है हमारा मोनोसाइट, ठीक है। इसमें स्पेलिंग गलत हो गई है, मैं वो कर लेती हूँ, दिस इज मोनोसाइट, ठीक है। उसके बाद देखिए लार्जेस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी, मतलब इस अगर मतलब कौन अपने आप को बहुत जल्दी रीजेनरेट कर पाता है, वो सबसे ज़्यादा क्षमता किस में होती है, लिवर सेल में। और जो कौन कम कर पाता है, वो हमारी होती है ब्रेन सेल में, ठीक है। और लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सी हो गई, देखिए पूरी बॉडी में हमारा क्या है, स्किन है, तो स्किन हमारी कौन सी हो गई, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, स्किन, ठीक। बिजीएस्ट ऑर्गन देखिए, सबसे ज़्यादा बिजी रहने वाला ऑर्गन जो कि 24 आवर वर्क करता है, वो कौन सा, 24/7 वर्क करता है, दैट इज हार्ट, फाइन। ब्लड वॉल्यूम, हमारी पूरी बॉडी में कितना ब्लड है, तो वो कौन, वो कितना है हमारा, 5 to 6 liter, 5 to 6 liter हमारी बॉडी में ब्लड है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन रह गया है 15, देखिए थिनिएस्ट स्किन ऑफ द बॉडी, सबसे पतली त्वचा हमारी कौन सी, कंजेक्टिवा, कंजेक्टिवा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नॉर्मल बीपी, ये ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा, 120 to 80 mm ऑफ HG, ठीक। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ RBC, मतलब WBC का तो मैंने बताया 5 to 6 days होता है, और RBC का कितना होता है, 120 days, ठीक है। अब RBC के देखिए कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं, जो आप लोगों को पता होने चाहिए। RBC कहाँ पर मरता है, वो जो जगह है उसको बोलते हैं हम स्प्लीन, मतलब स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ RBC भी बोला जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आ भी सकता है, स्प्लीन इज कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ RBC, जहाँ पे RBC जाके मरता है, ठीक है। अब देखिए यूनिवर्सल ब्लड डोनर, अब हमारे जितने भी ग्रुप हैं उसमें से कौन सा डोनेट कर सकता है किसी भी ब्लड ग्रुप को, तो वो हमारा क्या है, ओ ग्रुप। और कौन सा रेसिपिएंट जो एक्सेप्ट कर सकता है, वो कौन सा है, AB ग्रुप, ठीक है, ग्रुप AB। अब देखिए कुछ हमारे pH होते हैं, pH जो हमारी बॉडी में हमें जानना इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो pH पहले तो होता क्या है, pH क्या होता है, pH हमारी एक ऐसा स्केल होता है जहाँ पर हम एसिडिक या अल्कलाइन, बेसिक, मीडियम, हम किसी भी कंपाउंड का नापते हैं, ठीक है। तो pH वैल्यू जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं हमारी बॉडी में, जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, उनका pH कितना होता है, 1.4। हमारी बॉडी में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो वो हमारी बॉडी में कौन सा एसिड पाया जाता है, सॉरी, हमारी बॉडी में HCl नाम का एसिड पाया जाता है, ठीक, HCl नाम का एसिड पाया जाता है, हाइड्रोक्लोराइड एसिड पाया जाता है,
ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ह्यूमन यूरिन, ह्यूमन यूरिन का जो ब्लड ग्रुप पीएच होता है वो हमारा कितना होता है? 6, मतलब स्लाइटली एसिडिक इसका नेचर होता है हमारे ह्यूमन यूरिन का। ह्यूमन ब्लड का कितना होता है? 7.4। देखिए 7 कितना हो गया वाटर का, जो कि कम्प्लीटली न्यूट्रल है, बट जो हमारा ह्यूमन ब्लड है वो कितना है? 7.4, जो कि कौन कैसा है? अल्कलाइन मीडियम है। ठीक, अब हाँ, पेंक्रियाटिक जूस, जो हमारे पेंक्रियाज रिलीज करते हैं जूस, जो भी हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, उसका कितना होता है पेंक्रियाटिक जूस का? 8.5। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो जो मैंने पीडीएफ से पढ़ाया है वो भी, और कुछ हमारी जो बॉडी के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी हमें डिस्कस करते हैं। देखिए, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? ये आए हुए क्वेश्चन है, आरआरबी ने जो पूछे हैं। तो मांसपेशियां हमारी कितनी हो गई? 639। इसका सही आंसर क्या हो गया? 639। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी का कितना पार्ट बनेगी? 40% ऑफ द बॉडी को ये 100% बॉडी में से 40% पार्ट जो हमारी बॉडी का है वो हमारी मांसपेशियों ही कवर करती हैं। ठीक है, तो वो हमारी कितनी हो गई? 639। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? वो मैंने आपको बताया था, कौन सी होगी सबसे, वो हमारी हो गई फीमर। ठीक है, जो कि कहाँ पाई जाती है? थाई बोन। ठीक है, जांघ की हड्डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, टीबिया फेबुला नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? एक्चुअली ये दो हड्डी होती हैं, दो हड्डी होती हैं। ये क्या करती हैं? ये हमारी जैसे थाई बोन थी हमारी फीमर, जो कि उसकी जो नीचे होती है, जो नी को और एंकल को कनेक्ट करती है, वो हमारी दो बोन्स होती हैं, टीबिया फिबुला। ठीक है, तो ये हमारी टांग में पाई जाती हैं। ठीक, इसका आंसर भी क्या हो गया? बी, टांग, टीबिया फिबुला। ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो अभी तक पूछे हुए हैं। अब देखिए, नमक का आयोडीनीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है। ठीक है, जो जो रोकता है किसको रोकेगा आप बताइए? घेंगा रोग, मैंने बताया था आपको थायराइड ग्लैंड की जब पढ़ाया बताया था, तो वो हमारा क्या हो गया? घेंगा रोग, इसका हमारा आंसर हो गया घेंगा रोग। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केल्विन स्केल, केल्विन स्केल में हमारा मानव शरीर में कितना हमारा सामान्य तापमान है? तो देखिए, केल्विन स्केल में तो हमारा 310 हो गया। ठीक है, केल्विन स्केल में हमारा 310 हो गया, और डिग्री सेल्सियस, अगर डिग्री सेल्सियस में पूछा है तो कितना हो जाएगा? 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इन्होंने लेकिन केल्विन में ही पूछा हुआ है, और डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग, रुकिए मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? अब देखिए, सबसे बड़ा अंग पूछा है, तो मैंने आपको लार्जेस्ट क्या बताया था? स्किन बताई थी ना, यानी कि हमारी त्वचा। बट इसमें देखिए ऑप्शंस ऐसे कोई नहीं है जो हमारे मतलब हमारे क्वेश्चन से मैच करें, लेकिन इसमें ये है कि हाँ, सबसे बड़ा अंग मतलब यकृत को हम बोल सकते हैं। यकृत मतलब क्या हो गया? हमारा लिवर, हमारा जो लिवर होता है वो हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। बट इसमें ऑप्शन के हिसाब से जो हमारा अंग पूछा है, तो वैसे तो हमारा स्किन होगा। ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शन ऐसा नहीं है, तो हमने ग्लैंड बता दिया कौन सा? यकृत मतलब लिवर। फाइन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी, अब ये तो आप लोग बता ही देंगे, मैंने बता ही दिया है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी हो गई? हमारी फीमर। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी हो गई? इसका आंसर हो गया हमारा फीमर। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, केल्विन स्केल में मानव शरीर का 310। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, और कुछ हमारी बॉडी के ह्यूमन पार्ट थे जो कि मैंने आपको बताया। अब आप देखिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कुछ और डिस्कस करेंगे साइंस का, और हम लोग ऐसे ही चलेंगे जैसे हमने आज स्टैटिक पार्ट कवर किया है, और का हम लोग नेक्स्ट मंथ से हम इसका
कंटेंट भी लेके चलेंगे साइंस का. फाइन, चलो ओके, बाय बाय. प्लीज एंड लाइक, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़.